बच्चा वर्डी फिर से आ गए आप लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे तो इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लेकिन हमको वो आदत पड़ गई लिखने की, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 02, अच्छा लेक्चर है। कल प्रेशर पे बात की थी पिछले लेक्चर में, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में डेंसिटी का डिस्कशन होगा, और टाइम रहा तो पास्कल का लॉ भी आज ही लेंगे, नहीं रहा तो अगले लेक्चर में लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो शायरी नहीं सुना आपने, तू कहे तो चांद तारे ले आऊँ, तू कहे तो वो चांद और वो सितारे ले आऊँ, तू ना कहे तो ना लाऊँ, सिंपल है। तो पास्कल का लॉ आज हो पाया तो होगा, नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में होगा। अब छोटी छोटी दो तीन डिस्कशन से आज, क्या जैसे फ्लूइड होता है ना, वो उसके कांटेक्ट में जो सरफेस होता है उस सरफेस पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। छोटी सी बात है हाँ, लेकिन ये भी कभी कभार एग्जाम में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, क्या वजह है बताओ, कि फ्लूइड उसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो फोर्स लगाता है वो फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर ही काहे होता है। तो 2 मार्क्स में पूछते हैं मान लो, तो इसको छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा, छोटा मोटा एक ड्राइंग डाल देंगे अंदर, 2-4 अच्छे अच्छे डायलॉग लिख देंगे, बात खत्म। चलो समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन 3 बोल सकते हैं कि वाई फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया, तो चलो स्टार्ट करें इसको। यहाँ थोड़ी सी जगह रख देता हूँ ड्राइंग के लिए। जैसे देखो ये रहा बहुत सारा रेस्ट पे फ्लूइड हो उसकी बात है, ये फ्लूइड एट रेस्ट की बात है हाँ। जैसे ये रहा कुछ लिक्विड भर दिया आपने, ये रहा आपका कंटेनर, समझो छोटी सी घटना है, 2-5 मिनट में समझा के निपटाना इसको। ये रहा कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डाल दो, तो चलो कुछ ऑब्जेक्ट डाला अंदर, तो यहाँ से लिक्विड हट जाएगा और उसकी जगह इधर क्या घुस जाएगा अंदर, ऑब्जेक्ट। ये भाई आया ऑब्जेक्ट, लिक्विड को साइड में हटा दिया उसने, ये सारा लिक्विड इधर साइड में हट गया, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है ना इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग, वो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ऐसे यूं इसको परपेंडिकुलरली दबाएगा, देखो दिख रहा है ना हाँ। लेकिन ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी, तो वजह भी लिखवाता हूँ पहले। इतना प्रेजेंटेशन तो लिख, 2 मार्क्स में थियरी आया है, क्या लिखेगा, एज शोन इन फिगर एन ऑब्जेक्ट इज सब मर्ज्ड इनटू द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को डुबाया फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड खुद कैसा है, अभी रेस्ट पे है। तो लिखो एज शोन इन फिगर एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड एट रेस्ट, डन। फिर अगला पॉइंट लिखो कि लिक्विड एग्जर्ट फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं दिख रहा है अपने को एरो से, लिक्विड एग्जर्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लिक्विड एग्जर्ट्स फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, डन। अब इसकी वजह बताऊंगा फाइनली कि ऐसा क्यों, रीजन क्या कारण है कि वो नॉर्मली ही परपेंडिकुलर ही लग रहा है। चलो देखते हैं कारण। देखो न्यूटन का 3rd लॉ आप जानते हो, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जानते हो आप। उसी के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं आगे की, ये जो रीजन है हमें पढ़ेंगे, न्यूटन 3rd लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं। क्या होता है, लिक्विड ने मान लो इस पर पैरेलल फोर्स लगाया, फ्लूइड ने इस पर पैरेलल फोर्स लगाया, जैसे कि
ये इधर है ना फोर्स ऐसे पैरेलल लग रहा है, यूं धक्का लग रहा है इसको, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये ऑब्जेक्ट भी इस पर फोर्स लगाएगा वापस लिक्विड पे, वो भी पैरेलल ही लगाएगा फोर्स। जब लिक्विड इस पर पैरेलल फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी इस पर पैरेलल फोर्स लगाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट पैरेलल फोर्स लगाएगा तो लिक्विड भी मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में, तो लिक्विड ये पैरेलल डायरेक्शन में सरकना चाहिए। लेकिन लिक्विड कहाँ सरक रहा है? लिक्विड इज एट द रेस्ट, लिक्विड तो रेस्ट पे सरक नहीं रहा है। सरक नहीं रहा है मतलब उस पर पैरेलली कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिंपल खत्म कहानी। इतना ही है प्रेजेंटेशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यहाँ पे बताना है। तो लिखोगे कहता पॉइंट अच्छा, क्या लिखेंगे? इफ फ्लूइड एग्जर्ट द पैरेलल फोर्स ऑन दिस सरफेस, चलो लिखते हैं, थोड़ा लिखवाता हूँ। इफ द फ्लूइड एग्जर्ट पैरेलल फोर्स ऑन सरफेस, सरफेस ऑल्सो अप्लाई पैरेलल फोर्स ऑन द लिक्विड, पैरेलल फोर्स ऑन फ्लूइड। और क्यों? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ कॉन्सिक्वेंसेज। अकॉर्डिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन बाबाज थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, आगे का नहीं लिख रहा हूँ स्टोरी। अब लिखो कि सो इफ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन लिक्विड ऑल्सो पैरेलली, सो लिक्विड शुड मूव इन द पैरेलल डायरेक्शन, लिक्विड मस्ट बी इन द मोशन इन टू द पैरेलल डायरेक्शन, बट लिक्विड इज इट एट द रेस्ट, भाई मोशन नहीं कर रहा है मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा है पैरेलल, मतलब सारा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात लिखी है टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसको भी आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी इतना लंबा करके पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, तो आप ऐसा लिख सकते हो प्रेजेंटेशन, ठीक है? ओके, अब इसके साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 फ्री देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फ्री में लेके जा, क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करना है, तो कौन सा 2 क्वांटिटी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न? 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब फ्लूइड, फ्लूइड को समझने के लिए 2 क्वांटिटी आपको आना चाहिए, उनके 2 का नाम पूछ लिया एग्जाम में, तो 2 क्वांटिटी कौन सा है? एक तो प्रेशर और दूसरा डेंसिटी। प्रेशर आपको पिछले लेक्चर में समझाया था डिटेल में, डेंसिटी आज समझाऊंगा। तो कौन सा 2 क्वांटिटी है? प्रेशर और डेंसिटी, खत्म कहानी यार, छोटा सा क्वेश्चन गिफ्ट में दिया। अब एक और क्वेश्चन इसी के साथ ही देता हूँ, भाई कैमरा मैन यहाँ पे कवर करना। हाँ, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या नाम है क्वेश्चन 5 का? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पे कैलिब्रेशन लगा होता है, कैलिब्रेशन आप जानते हो ना, 1, 2, 3, 4 लिखा होता है यार। अरे वो वजन नहीं किया कभी अपना, वेट हो कांटे पे आप खड़े हो जाते हो ना तो दिखता है ना 70 kg, 60 kg, 80 kg, वो जो लिखा होता है उसी को कैलिब्रेशन बोलते हैं ना। तो एक स्प्रिंग होता है कैलिब्रेटेड, जिस पे लिखा होगा कितना खींचने पे इतना न्यूटन फोर्स है, इतना खींचने पे इतना न्यूटन फोर्स है, स्प्रिंग पे कैलिब्रेशन होगा। और कैलिब्रेटेड स्प्रिंग पिस्टन के साथ ज्वाइन कर दो और ये दोनों सिस्टम को इवैक्यूएटेड चैम्बर में रख दो, वो जो डिवाइस बनता है उसको बोलते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। देखा नहीं आपने कभी, तो चल कुछ चित्र बनाता हूँ तो समझ में आएगा। ये रहा देखो स्प्रिंग, समझ लो ये हो गया इवैक्यूएटेड चैम्बर, और इस चैम्बर को बिल्कुल एयर टाइट कर दो इस पिस्टन से। पिस्टन मतलब जानते हो आप, सिंपल डंडा यार, उसको हम बड़ी साफ सुथरी भाषा में पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन मतलब ये डंडा देखो, हाँ ये स्ट्रक्चर है ना, इसको आप पिस्टन समझ लो। ये इस डंडे को पकड़ के आप यूं दबाओगे ना तो ये वाला डिजाइन ऊपर नीचे होगा, तो इसको पिस्टन बोलते हैं। इसमें कौन सा बड़ा तीर है,
है ना। तो ये पिस्टन और उसके नीचे कैलिब्रेटेड स्प्रिंग, ये हो गया पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर, ये हो गया आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। अब रख दो इसको जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना है, फ्लूइड के अंदर कहीं भी जाके रख दो। तो सपोज इसके आजू बाजू पूरा फ्लूइड कंटेनर है, पूरा इसके अंदर आपने इसको एनी पॉइंट कहीं पर भी रख दिया है, कहीं पर भी रख सकते हो, जिस पॉइंट का आपको प्रेशर पता करना है उस पॉइंट पे जाके रख दो। ये हो गया आजू बाजू में पूरा फ्लूइड। चलो एक काम करो, पहले इन सब के नाम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ड्राइंग का भी मार्क्स मिल जाएगा अपने को। चलो ये क्या है भैया, फ्लूइड कंटेनर, क्या है फ्लूइड कंटेनर, डन। ये क्या है, कैलिब्रेटेड स्प्रिंग, कैलिब्रेटेड स्प्रिंग। ये क्या है, इवैक्यूएटेड चैम्बर, चैम्बर, ठीक है। और ये क्या है, पिस्टन। इतना नाम तो लिख ही सकते हो आप देख देख के, आ गया इजी है ना डिवाइस। अब इस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन लिखो, फिर ये काम कैसे करता है वो भी आपको सिखाता हूँ, लेकिन सारा सारा ग्रेजुअली धीमे धीमे आएगा ना। तो इसके बारे में ओपनिंग पॉइंट क्या बन सकता है, हाँ हो सकता है एज शोन इन द फिगर, अपना फेवरेट पैटर्न वर्ड है। ठोको कोई भी थियरी देख के स्टार्टिंग, एज शोन इन द फिगर, आलिया भट्ट इज डांसिंग। फिगर शोज एन आइडियलाइज्ड सिंपल स्कीमेटिक ड्राइंग, इतना सारा वर्ड आपके पास अवेलेबल है। फिगर शोज एन आइडियलाइज्ड सिंपल स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, बस इतना तो लिखो, ओपनिंग तो करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज एन आइडियलाइज्ड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, खत्म। फिर वो किससे बना हुआ है वो लिखो, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कैलिब्रेटेड स्प्रिंग एंड पिस्टन केप्ट इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर, सिंपल। किससे बना हुआ है, कैलिब्रेटेड स्प्रिंग पिस्टन केप्ट इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर। इट इज कंसिस्ट ऑफ कैलिब्रेटेड स्प्रिंग, भाई कैमरामैन दिख रहा है ना, रेंज से बाहर नहीं हूं ना, कैलिब्रेटेड, ये कोमा चलेगा ना, कोमा, कैलिब्रेटेड स्प्रिंग पिस्टन केप्ट इनटू अ इवैक्यूएटेड चैम्बर। इतना तो कोई भी बच्चा लिख सकता है यार, ग्यारहवीं में पढ़ने वाला बच्चा है, चित्र देख के इतना लिख सकता है, तो कहाँ टफ थियरी है। अब आगे बढ़े, काम कैसे करता है, व्हेन इट इज केप्ट इट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट, कैसा फ्लूइड पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, रेस्ट वाला, हम लोग बहता हुआ फ्लूइड नहीं पढ़ रहे हैं, वो फ्लूइड डायनेमिक्स आगे आएगा, अभी तो दो चार दिन यही चलेगा रेस्ट वाला, ठीक है, अगले दो चार लेक्चर तक रेस्ट फ्लूइड ही पढ़ेंगे हम लोग, ओके। तो लिखो पॉइंट, क्या लिखोगे, कहाँ थे हम लोग, इवैक्यूएटेड चैम्बर में डाल दिया इसको, हाँ अब लिखो, व्हेन इट इज केप्ट एट एनी पॉइंट इन टू द फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड क्या करता है, यहाँ से आएगा, इस पिस्टन को दबाएगा, पिस्टन पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, तो वो फोर्स तो मेजरमेंट कर लोगे ना, स्प्रिंग पे कैलिब्रेशन तो लगा हुआ है, तो फोर्स मेजरमेंट कर लोगे, और ये पिस्टन का एरिया भी आपको पता चल जाएगा, देख लोगे इतना है, फोर्स पर यूनिट एरिया सॉल्व करोगे, प्रेशर आंसर, तो यार, और ये जो बाहर से जो फोर्स लगाएगा ये फ्लूइड, उसको बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है ना, आ तो फोर्स बाय फ्लूइड इज बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स। बहुत कुछ काट दिया, लिखने में जगह नहीं है, स्टोरी तो समझ में आया ना क्या, कि व्हेन दिस डिवाइस इज केप्ट एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एग्जर्ट द फोर्स इनवर्ड एंड इट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ स्प्रिंग आउटवर्ड, क्लियर। फिर मेजर द फोर्स एंड टुक द फॉर्मूला एफ अपॉन ए, यू विल गेट योर आंसर, खत्म। बाकी का आप अपने हिसाब से लिख दो, सारा लिखूंगा, बोर्ड पे जगह नहीं है।
है ना। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कोई खास टफ थियरी नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, अभी अपना डिस्कशन डेंसिटी पे होगा। अपने बोला था ना कि फ्लूइड को समझना है तो दो क्वांटिटी पे अपना मास्टरी होना चाहिए, प्रेशर और डेंसिटी। प्रेशर पे तो कल अपन ने झंडे गाड़ दिए बहुत सारे, आज डेंसिटी पे गाड़ने की कोशिश करते हैं। चलो तो क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट 6 नंबर का, डेंसिटी तो उसके साथ रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा भी नाम है भाई स्पेसिफिक डेंसिटी, इस नाम से भी आ सकता है। सारा आराम से डिस्कस करेंगे, बोर्ड भर देंगे। चलो डेंसिटी तो क्या है वो तो हर बच्चे को पता है, पिछले 8-10 महीने से साइंस में पढ़ रहे हो। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। अच्छा फॉर्मूला, रुको हो गया, लिखो यहां पे डेफिनेशन। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी, हो गया डेफिनेशन। अब यूनिट लिख दो यहां पे, क्या यूनिट है इसका? अरे किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, वेरी सिंपल है कि नहीं, है ना। अब डेंसिटी के बारे में एक दो और आइडियाज दे दूं। डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव, डेंसिटी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके डेंसिटी खुद स्केलर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिंपल समझा कि नहीं। अच्छा अभी एक दो डेंसिटी मैं जानता हूं, जैसे डेंसिटी का यूनिट देखो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होता है, उसको बहुत बार CGS में कन्वर्ट करना होता है। जैसे वाटर का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपन जानते हैं ना 10^3 है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, अब इसको CGS में कन्वर्ट करना होता है बहुत बार। तो चलो करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है तो वाटर का डेंसिटी ये लेते हैं जनरली हम, 10^3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब किलोग्राम को हटाओ तो 1000 करोगे तो हो गया ग्राम, अब मीटर को हटा के सेंटीमीटर करो ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। ये देखो 10^6 ग्राम अपॉन सेमी क्यूब और ये हो गया 10^6, तो 1, हाँ वाटर का डेंसिटी CGS में 1 होता है। SI सिस्टम में क्या होता है 1000, CGS सिस्टम में क्या लेते हैं 1 जैसा सिस्टम, मतलब समझो ना 10^3 हटाना होता है बस, 10^3 था हट गया। ऐसे ही आपको बोल दूं मर्क्यूरी का डेंसिटी, तो मर्क्यूरी का होता है 13.6 × 10^3 kg पर मीटर क्यूब। अब मैं बोलूं मर्क्यूरी का डेंसिटी CGS में चाहिए तो इतना ऊटपटांग नहीं करो, पता चल गया ना ट्रिक, सीधा 1000 हटा दो बात खत्म, सच्ची बोल रहा हूं। अब जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 × 10^3 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अब मैं बोलूं CGS में कितना होगा, हटा दो 2.7, खेल खत्म। बोलो समझा कि नहीं समझा, पक्का? ओके ये है डेंसिटी का इंट्रोडक्शन। अब एक नया टर्म है आपके लिए, रिलेटिव डेंसिटी, या इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पे जगह लगेगा। अच्छा स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसका खुद का डेंसिटी, और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब किसी के साथ कंपेयर करके। ऑब्जेक्ट का दो टाइप का डेंसिटी होता है, एक उसका खुद का एब्सोल्यूट विच इज इट्स ओरिजिनल डेंसिटी, और एक होता है किसी के साथ कंपेयर करके आंसर लाना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। अब जनरली किसके साथ कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है, और वाटर की कौन सी डेंसिटी, ये 4 सेल्सियस वाली 1000 वाली, समझा कि नहीं।
हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है उसके साथ कंपेयर करो तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रेशियो लेना होता है, कंपेयर कैसे करते, रेशियो। जैसे ऊपर ले लिया आपने किसी सब्सटेंस का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये सिंपल सी समझ है रिलेटिव डेंसिटी की। डिफाइन कर दो, डेफिनेशन दे दो, क्या लिखोगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज रेशियो, दिस इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कर दो डिफाइन, कौन सा वाला? रिलेटिव, स्पेसिफिक, यहां से देख देख के लिखना है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज क्या है? रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट? दिस एंड दिस। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर 8 4 डिग्री सेल्सियस, खत्म। अब एक आधा एग्जाम्पल दे दो, ये आप एल्यूमिनियम जानते हो, मर्क्यूरी जानते हो, सब जानते ही हो, तो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लो। चलो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन व्हाट, देखो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्चुअली 2.7 इंटू 10^3 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलूँ एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, तो उसका एक्चुअल डेंसिटी और वाटर का रेशियो ही लेना है ना। तो देखो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डेंसिटी ऑफ वाटर 2.7 इंटू 10^3 डिवाइड बाई 10^3 कैंसिल, 2.7 इज द आंसर। इसका यूनिट क्या लिखूं? यूनिट नहीं आएगा, राइट है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिट कैंसिल, यूनिट कैंसिल, तो यूनिट लेस है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में आप ये पॉइंट बोल सकते हो कि डायमेंशन लेस है, ये यूनिट नहीं होते, इसके MLT नहीं होते, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये स्केलर है, हमेशा पॉजिटिव आता है आंसर, खत्म। डेंसिटी पे इतना प्रेजेंटेशन बढ़िया है। अब मान लो आपको मैं थोड़ा सा उल्टा बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 15.3 है तो उसका खुद का डेंसिटी क्या होगा? ये तो उसका रिलेटिव डेंसिटी है किसी के साथ कंपैरिजन वाला, उसका खुद का डेंसिटी क्या होगा? इनटू 1000, क्योंकि जब सब्सटेंस का खुद का डेंसिटी निकालना है तो ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1000। हाँ, तो सब्सटेंस का एक्चुअल डेंसिटी इनटू 1000, खत्म। समझा कि नहीं? तो है ना इजी। तो डेंसिटी पे इतना प्रेजेंटेशन है आपके लिए आज, लगाओ इसका स्क्रीनशॉट एक।